सांप्रदायिकवाद जो आजकल जहर की तरह फैल रहा है, इससे भी महिलाएं इस पर लिख रही हैं। और विस्तार अनुभव का जो संपूर्ण पुरुष और संपूर्ण धाम ही नहीं रह गया, तो मुझे बहुत बड़ी बात लग रही है कि इससे एक तंग घेरे से बाहर आ रही है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। पर यह भी मैं कहती हूँ कि देहवाद का जो कुछ खासकर नई लेखकों में बहुत प्रबल है, क्योंकि वो स्त्री मुक्ति को मात्र देह से जोड़ती है, देह का उपभोग। तो दूसरे एक तरह से फिर भी गलत ही वो ठीक नहीं है, पर शुक्र है कि बहुत कम है ऐसा। ज़्यादातर लेखक चाहती है कि स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ संबंध हो, पति पत्नी मित्रों जगह दोस्तों के रहें, ये कला कला भी ना हो, क्योंकि बच्चों को माता पिता दोनों चाहिए। प्रतीक्षा है उसे अच्छा उपन्यास है बारिश गर्व हो पड़ी, वो कहती पिता ठीक है कला कला कुछ तो ठीक है, पर बच्चे जो है उसको दोनों चाहिए। तो इस तरह भी कुछ सार्थक उपन्यास लिखे जा रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। अब यहाँ पर छोड़ती हूँ मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना, इसके लिए एक मिनट और दो मिनट। मैंने बहुत ज़्यादा झंडे नहीं खड़े करे हैं, पर स्त्री मेरे से भी उपन्यास दो कहना जिसकी समस्याएं हैं, उनकी तकलीफ हैं, उनका अच्छा पक्ष है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं खुद चाहती हूँ स्वस्थ समाज, हम खुद अपना थोड़ा सा अपने भीतर भी जानते। तो ये है, कोई माने ना माने, मुंदी पलकें खोल बेटी, बच्ची से मुंदी पलकें खोल बेटी, पहली पुकार के साथ ही पड़ा है दुनिया का तौक तेरे मासूम गले में। अलसाई जमहाइयों में मुंह खोलती मेरी सोन मछली, इस ताल में बसता है जीवों का जंगल। तुम खोज लेना कोई सोन पंखी, शंख सीपी में छिपा बैठा। कितनी भी बेदर्द हो दुनिया, बचे हैं अभी भी कुछ स्पर्श जो सहलाते हैं आहत आत्माएं। जीने के लिए कारण मिल ही जाते हैं, उनकी शिनाख्त तुम खुद करो। धुंध छाए चौहारों बीच अपनी पगरंदी चुनती बेटियां खोजती हैं असंभव में संभव, जोड़ती हैं धरती और आकाश, नदियां और बादल बनकर बांधती हैं धागों में रिश्ते, और ईंट सीमेंट के खांचों को बनाती हैं घर। उन्हें आता है गुर तलाशने का सूखे स्रोतों में गुम होती नदियां, बंजर धरती की कोख में फूटना है, कोख से फूटना हरियाली में, कोई माने ना माने लड़कियां बीज होती हैं जो धरती को देती हैं धरती बनकर उर्वरा होने का आश्वासन। इसके साथ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।